रैनी अलवर पत्रकार योगेश गोयल की रिपोर्ट। अलवर जिले के रैनी क्षेत्र में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी जौहरीलाल मीणा ने रैनी पंचायत समिति प्रधान अनिता ओम प्रकाश सैनी के नेतृत्व में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन रैनी क्षेत्र के रैनी डेरा रोड पर स्थित राधा रानी मैरिज होम में किया गया। सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसके बाद बाहर से एक कांग्रेस कमेटी के जिला प्रभारी तथा कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं के द्वारा विचार रखे गए। कार्यालय उद्घाटन समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता सुखराम मीणा, जिला प्रभारी राजेंद्र व्यास, रैनी पंचायत समिति प्रधान अनिता ओम प्रकाश सैनी, रैनी ब्लॉक अध्यक्ष विजय शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी मीणा, रामस्वरूप पटवारी, सुनील गर्ग, मुरारी कंवर, शिवचरण शर्मा, रामतार किरार, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, ब्रजमोहन बाबू, रामस्वरूप सरपंच, लक्ष्मण मीणा, पप्पू सरपंच, कालूराम मीणा, भागचंद मीणा, रैनी सरपंच हरि सिंह मीणा आदि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उद्घाटन के दौरान मौजूद। कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको क्या मानना है? कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरा ये मत है, कांग्रेस पार्टी गरीब की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, सभी के हितों के लिए और गरीब के हित के लिए हमेशा तैयार रहती है। और यहाँ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में जो आज हमने यहाँ रैनी में अपना कार्यालय खोला है, इस कार्यालय का खोलने मतलब कि जो यहाँ पे जितने भी हमारी पंचायत समिति यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैठ के घर घर जा जा के प्रचार करेंगे और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उनको बताएंगे कि आने वाले टाइम पे अब जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ एरिया जो पीछे रह गया पैक उसको कैसे किस तरीके से अब हम मजबूत कर पाए। इसलिए सभी लोगों से अपील की जा रही है, जौहरीलाल जी का मजबूत करो, उन्हें भारी बहुमत से जिताओ जिससे अपने यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। कांग्रेस पार्टी ने जौहरीलाल मीणा जी को जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र जो विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाकर जो उतारा है, तो आपका जौहरीलाल जी के बारे में आपको क्या कहना है? जौहरीलाल जी के बारे में मेरा ये कहना है कि जौहरीलाल यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके दिलों में बसते हैं, सब लोग इनकी इज्जत करते हैं, वो सबके साथ मिलजुल के चलते हैं, 36 कौम के लोगों के साथ वो प्रचार कर रहे हैं और 36 के 36 कौम का उनको साथ है। और ये जौहरीलाल जी एक यहाँ के सबसे सीनियर वरिष्ठ और सबसे अच्छे किसान मजदूर और सभी धर्मों और सभी वर्गों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, विचारधारा, नीतियाँ और सिद्धांत उत्तम और सुदृढ़ है। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान में जो प्रत्याशी जौहरीलाल जी मीणा हैं उनके विचार भी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही उनके विचार हैं। हम उनको अच्छे मतों से विजयी कराना चाहते हैं। सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री जौहरीलाल जी मीणा को आने वाली 7 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी में हाथ के चुनाव चिन्ह में मत देने की अपील करना चाहती है। आप कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी हैं, आप अलवर से आए होंगे, तो आपका जौहरीलाल जी के बारे में आपका क्या मानना है? आपका जौहरीलाल जी हमारे राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, वो अच्छे मतों से विजय होंगे। सभी वर्ग, सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले, सभी गरीब किसान सभी चाहते हैं इन। आपको क्या लगता है कि जौहरीलाल जी जिन मुद्दों को लेकर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी जो बने हैं उतरे हैं मैदान में, तो क्या जो मुद्दे लेकर आए क्या उन पे वो खरे उतरेंगे? आपको क्या लगता है? लाल जी बहुत ही खरे उतरेंगे, 100% खरे। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जौहरीलाल मीणा जी, इनका आज कार्यालय का उद्घाटन है और सभी जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक कांग्रेस में आए और जनता का विकास हो, क्योंकि आज तक जो भी काम अधूरे पड़े हुए हैं और आज तक कोई विकास नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, आम जन की सुनती है और आम जनता का काम कर रही है। जौहरीलाल जी के बारे में आपको क्या बताएंगे आप जौहरीलाल जी के बारे में? जौहरीलाल जी कर्मठ इंसान है, कार्य सब सारे क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर तक पहुंचाते हैं और किसानों के साथ हैं, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे कर्मठ इंसान है। जिस तरह जौहरीलाल जी जो कई मुद्दे लेकर जो उतरे हैं मैदान में, क्या उन मुद्दों क्या वो पूरा करने में सफल होंगे या क्या क्या लगता है आपको? हाँ, ये पहले भी अब विधानसभा क्षेत्र में बारी आ चुके हैं, इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया था और अब जो भी मुद्दे हैं वो पूरा करेंगे और जनता की पुकार ऊपर तक पहुंचाएंगे, ये हमें विश्वास है। ठीक है, आपका शुभ नाम बताइए। अनिता सैनी,
पंचायत समिति रैनी प्रधान। ठीक है।